सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज पढ़ाने जा रहा हूँ जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 28, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 28 है, जिसमें हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, तो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। पहले क्वेश्चन आता था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो हम आंसर लगाते थे टंगस्टन, लेकिन आजकल लेवल बढ़ गया, पूछ रहा है कि भैया टंगस्टन का ही क्यों बनाते आप, लोहे का क्यों नहीं बनाते, चांदी का क्यों नहीं बनाते, सोना का क्यों नहीं बनाते। तो देखिए अब इसका क्या है यहां पर आंसर। ऑप्शन है हमारे पास, किसका प्रतिरोध नगण्य होता है, यह सस्ता है, या फिर इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका हाई होता है, और इसका फिलामेंट आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर है कि भैया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थर्ड वाला, वो हाई होता है, जल्दी पिघलता नहीं है, जिस कारण से उसको जो है फिलामेंट के रूप में उसको बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक, अब आपको आज का क्वेश्चन ये है पहला कि फिलामेंट तो हो गया, अब यह बताना है कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, बल्ब वगैरह में, ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस को हम भरते हैं, वो आपको बताना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि स्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है। अगर स्थायी चुंबक नर्म लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है, क्यों? नर्म लोहे के टुकड़े का चुंबीकरण करने के लिए, या फिर चुंबक की प्रबलता बढ़ाने के लिए, चुंबक का विचुंबकीकरण को रोकने के लिए, और चुंबक की भौतिक सुरक्षा के लिए किस कारण से रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है, उसको रखा जाता है कि चुंबक जो है स्वयं का विचुंबकीकरण रोकने के लिए जो है उसको यहाँ पर रखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश क्या दर्शाता है, प्रकाश क्या दर्शाता है, बाह्य दृश्य संचरण, या फिर वक्राकार संचरण, सरल रेखीय संचरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइट है वो आपको सरल रेखीय एक संरचना जो है संरचना दिखाता है, जिसका आंसर है थर्ड वाला। अगला प्रश्न है, और इसमें से आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है कि यदि अंतिम किरणें आभास जो अभिसारी हो तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास कि यदि आपतित किरण अभिसारी होती है तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, और यदि प्रतिबिंब आभासी है और उसके संगत बिंब एक आभासी बिंब कहलाता है, और आभासी बिंब का प्रतिबिंब एक जो है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। चार ऑप्शन है, मेनली आपके जो है इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है। अगर आपने इसमें जो दर्पण वगैरह का चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो जो इसका आंसर है कि भैया यदि अंतिम किरणें, ठीक है, अंतिम किरणें अभिसारी हो तो एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि जो पहला वाला है ये बस सही है, बाकी ये तीनों यहाँ पर गलत आपको मिलेंगे। तो इनको याद नहीं रखना है, याद रखना है कि सही कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं कि जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो सूर्य पर होती है। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन की। तो आपको इसमें यह बताना है कि कितने जो है यहाँ पर हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम मिलके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, इसमें से क्या कथन सही है आपको बताना है नाभिकीय संलयन की। देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने ये पढ़ाया है नाभिकीय संलयन। तो आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, एक कि इसमें आप क्या बताना है कि हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं या हीलियम मिलके हाइड्रोजन बनाते हैं, एक, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं तो कितने हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, या कितने हीलियम मिलके एक हाइड्रोजन बनाते हैं। तो आपको ये कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा, मैं आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको कितना याद रहता है, तो ये आपको बताना है। और बाकी नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है ये तो हमने पढ़ी है, इसको भी हमने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्या क्या होता है। चलिए तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि एसआई मात्रक विस्थापन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम, एमएस इनवर्स, या फिर एमएस माइनस
टू क्या होता है? तो ये जो होता है वो होता है एम, क्या होता है एम यानी मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सहसंयोजी बंध के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए भैया सहसंयोजी बंध के बारे में भी कोवेलेंट बॉन्ड भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो सही नहीं है। देखिए दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के मध्य साझित होते हैं, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, बंध अदिशात्मक होते हैं, बंध जो है सामर्थ्य अति व्यापन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, बंध ध्रुवीय और अध्रुवीय हो सकते हैं। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो नहीं है क्योंकि बंध अदिशात्मक होता है, ये इसमें जो गलत है द बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, उनका डायरेक्शन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि परमाणवीय हाइड्रोजन को किससे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन की बात की जा रही है। तो इसको जो हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं कि निम्न दाब पर, ठीक है, निम्न दाब पर हाइड्रोजन के स्थिर विद्युत निरावेश प्रवाहित करने पर हम इसको पा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शुष्क बर्फ की घनत्व होता है, मतलब शुष्क बर्फ का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, डेंसिटी ऑफ आइस, जल से कम, जल से अधिक, जल के समान या फिर कहा नहीं जा सकता? तो भैया जल से कम होता है, जल से कम होता है, और पानी का जो है 4 डिग्री पर सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चिली सॉल्ट पीटर जो है किसको कहा जाता है? तो चिली सॉल्ट पीटर किसको कहा जाता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, तो ये है आपका NaNO3। क्या है? NaNO3 है इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन से पद का अर्थ दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक या फिर एनालजेसिक या फिर एंटीपायरेटिक या फिर पेनिसिलिन। तो दर्द जिससे आपका निवारक हो, ठीक है, तो वो है यहाँ पर आपका एनालजेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक इसका दर्द निवारक है, एक पेन किलर आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या फिर वसा को वसा अम्लों में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में, किसमें करता है? तो ये करता है भैया प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड में करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सीएफसी, मीथेन, H2 या CO2। तो जो यहाँ पर H2 है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों का आवरण है कैसा, प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, एपिग्लॉटिस है या फिर कैप्सूल है? तो वो जो है यहाँ पर प्लूरा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे में, RRB में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि जो लंग्स है उनको जो कवर करके रखता है वो करता है प्लूरा। ठीक है, कृत्रिम रूप से फूलों को पकाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो भैया ये आपको बताना है कि किसके द्वारा की जाती है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है भैया एथिलीन, एथिलीन के द्वारा जो है यहाँ पर फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। ठीक, चलिए ईस्ट निम्न में से किसके द्वारा बहुगुणित होता है? तो ईस्ट जो होता है वो होता है यहाँ पर मुकुलन, ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये आपके पूछे ही गए हैं। पेलियोन्टोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है पेलियोन्टोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये जो है अध्ययन जीवाश्म का है, फॉसिल्स का अध्ययन कहलाता है पेलियोन्टोलॉजी, किसका? जीवाश्म का। अगला प्रश्न है कि शहर का कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जा सकता है? शहर का कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जा सकता है? बाहित मल को, उपयोगी सामान को, जैव गैस एवं खाद, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, सभी को है जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है, यह कागज बनाने में उपयोगी है, रेजिन, गम तथा औषधियां बनाने में उपयोगी है, बाढ़ नियंत्रित करते हैं और मृदा का क्षरण करते हैं? तो कौन सा वन का कार्य नहीं है? तो कार्य है भैया कि मृदा का क्षरण करते हैं, तो ये उसका वन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि केप्स चक्र होता है, तो केप्स चक्र क्या होता है? तो जो केप्स चक्र होता है वो होता है कि ये माइक्रोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, कहां पर होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ठीक, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना, सेल का पावर हाउस। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है? चालक तार की बात की जा रही है और धारा का निर्माण करने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या फिर अणु? तो ये करते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही प्रवाहित होते हैं तो उसको हम धारा बोलते हैं, जितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक तार में से जाने वाली धारा आई है, क्या है, धारा आई है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तब टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से आप दर्शा सकते हो? यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई और ई में रिलेशन पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर है, आंसर है आई और टी अपॉन ई होगा यहाँ पर, यानी कि धारा इंटू समय अपॉन इलेक्ट्रॉन, इससे जो है यहाँ पर संख्या प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है लेकिन पानी की एक मोटी परत कैसी होती है? पारभासी, अपारदर्शी, बहुत अधिक पारदर्शी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है भैया पारभासी होती है। कैसी होती है? पारभासी यहां पर होती है। हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है ना ही परावर्तित करती है, समूचे प्रकाश को पारगमित करती है या फिर उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्यों? देखिए भैया पारदर्शी भी है, उष्मा को जो है प्रकाश को अवशोषित भी नहीं करती, परावर्तित भी नहीं करती, पूरा प्रकाश जो है वहां से ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या इन सभी पर? तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है इन सभी पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इन सभी पर, सभी पर निर्भर यहाँ पर करता है आपका अपवर्तनांक, कि कैसा उसका माध्यम जो है का प्रकाशीय घनत्व तो कैसा, उसका वेवलेंथ कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है मटेरियल का, तो इन सभी पर निर्भर करता है यहाँ पर अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने पूछा कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।